2018 का पंजाब बीएड एंट्रेंस टेस्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। 30 क्वेश्चंस है मेंटल एबिलिटी के। इस वीडियो में मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज इंडक्टिव। पहले ये भी याद रखना है कि ये डिडक्टिव है या इंडक्टिव, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। इंडक्टिव टाइप ऑफ रीजनिंग इसमें अप्लाई होती है। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, जो पर्टिकुलर से जनरल कंक्लूजन की तरफ जाती है। पर्टिकुलर मीन के पर्टिकुलर एग्जाम्पल वो आइडेंटिफाई करना है, ये एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल, और कंक्लूजन क्या है कि इनमें आपस में रिश्ता क्या है, पैटर्न क्या है, वो ढूंढना है। इसके लिए सबसे पहले हम करते हैं एक और दो में डिफरेंस देखा, एक दो और छह में डिफरेंस देखा, चार छह और सात में डिफरेंस देखा, एक यहाँ तक एक पैटर्न मुझे तो समझ आ गया कि एक की रेपिटेशन दिखाई दे रही है। सारा करने के बजाय आप देख सकते हो कि एक की रेपिटेशन है, एक दो छह सात इक्कीस बाईस एक सेवन सिक्सटी सिक्स एक 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 की रेपिटेशन है। इट मीन्स एक में प्लस वन, यहाँ प्लस वन, यहाँ प्लस वन, प्लस वन का पैटर्न है। अब इसका पैटर्न ढूंढना है कि इसका क्या रिलेशन है। दो और छह में चार का डिफरेंस है, आप एक ये बना के देख सकते हो दो जमा चार, तो लेकिन आगे वाले में देखना है कि सात जमा चार बन रहे या नहीं बन रहे। दूसरा क्या बन सकता है, दो गुना तीन, दो गुना तीन गुना तीन, ठीक है यहाँ पर आ गया गुना तीन, जमा एक गुना तीन बन रहा है, जमा एक गुना तीन बन रहा है, जमा एक गुना तीन बन रहा है, जमा एक गुना तीन। अब 67 को गुना थ्री करेंगे। अब हो सकता है कि आपकी जो कैलकुलेशन एबिलिटी है वो वीक हो, पर जल्दी कैसे आपने करना है, आप छोटी रकमों को जल्दी कर सकते हैं। एक जब यहां पर पहुंचते हो तो एक जल्दी जल्दी आप एक जल्दी जल्दी जो ऑप्शन दी गई है उनको ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि अगर ये ऑप्शन दूर दूर रखी गई है, जैसे 201 है 70 है, ये करीब रखी गई है, ये थोड़ी डिस्टेंस की है, तो ये इजी कर देती है अगर डिस्टेंस वाली है। अगर ये 201 207 205 होती तो ये डिफिकल्ट कर देती इससे। अच्छा अब 67 × 3 करना है, इसका आसान मेथड क्या है, 67 आप जल्दी जल्दी कीजिए 60 को कर लीजिए, तीन से छ 18 मतलब 180 21, मुझे ऐसे ही याद रहता है 21 ऐसे किए, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 200 के करीब देखिए कौन सा आ गया, जब 180 ही कर लिए कि 180 से थोड़े 20 के ज्यादा है, तो देखिए कि 201 ही बच रहा है, ये भी बहुत दूर है, ये पहले 180 के नजदीक नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये वाली कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आप। मतलब 67 है, इसको आपने 60 में जल्दी जल्दी कन्वर्ट करके कर लिया, क्योंकि 6 को ही करना है, 0 की जरूरत नहीं है, जस्ट 70 को करके देख ली, राउंड फिगर करके उसको आप मल्टीप्लिकेशन या आउटर कैलकुलेशन जल्दी कर सकते हैं। तो 201 इज द राइट आंसर। रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क विद सूटेबल अल्टरनेटिव गिवन बिलो। ये पढ़ने की जरूरत से पहले ही इसको आप देखते हैं तो क्लियर हो जाता है कि ये क्वेश्चन मार्क फिल करना है। अब हमारे पास लेटर्स हैं, लेटर्स में जब ऐसे आता है जैसे नंबर में डिफरेंस देखा है, ऐसे लेटर में भी डिफरेंस देखना है। यहां पर ये है कि आपको लेटर को नंबर में कन्वर्ट करना होगा काउंट करके। अब जेड से शुरू हो रहा है, एबीसी ए से तो इजीली कैलकुलेट हो जाती है, लेकिन जेड से ए की तरफ जाना, जब जेड से एल की तरफ जाना, ये डिफिकल्ट लगेगा। थॉर्नडाइक का सेकेंडरी लॉ भी है, लॉ ऑफ पोलर, तो हम इसको आसान करने के लिए इनमें डिफरेंस देखना है हमने, तो हम कैलकुलेटर इधर से इधर करेंगे, क्योंकि आपके माइंड को आदत है कि ए बी सी की तरफ से जेड की तरफ जा रहा है, तो वहां आपको अपने आप को तंग मत कीजिए। यहां पर आ गया, मैं क्या कर रहा हूं, लिख के कर रहा हूं, आप फिंगर पर भी कर सकते हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ये चार लेटर हैं इसके बीच में आ गए, ये चार मैंने यहां लिख लिया, याद रख। अब यहां क्या है, यू से क्यू की तरफ नहीं जाएंगे, क्यू से यू की तरफ आए, क्यू आर एस टी यू, और इन्होंने क्या आइडेंटिफाई हुआ कि यहां पर तीन आ रहा है, इतनी दो पर्टिकुलर एग्जांपल से पी से जी की तरफ जाना है ना, जनरल क्या निकालना है, पैटर्न क्या है,
तो पैटर्न मुझे थोड़ा सा दिखाई देने लगा, चार तीन कहीं ऐसे ना हो यहाँ दो का हो यहाँ एक का डिफरेंस हो, तो मैं ये इसको फॉर्मूले को पुट करके देख रहा हूँ कि अगर ये दो है तो क्या डिफरेंस आएगा। उसके लिए एल एम एन, अगर एक का डिफरेंस यहाँ है यहाँ एम आ गया, एल एम एन ओ पी और क्यू आ गया, यहां पर दो आ गए। ये देखिए एम एक है पी ओ दो है और यहाँ तीन है चार है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर वो एन दिखाई दे रहा है मुझे और एन इसमें है तो उसको मैं राइट आंसर लगा। इसको दूसरी तरह आप लेटर नंबर टेबल से भी देख सकते हैं, ये देखिए ये है जेड यू क्यू एल, ठीक यहाँ पर चार का डिफरेंस है, यू और क्यू में तीन का डिफरेंस है और क्यू और इसमें एक डिजिट है, उसके बाद नेचुरली तीन के बाद दो का डिजिट आता है ये, और यहाँ एक का आ गया तो एन बीच में लेटर आ रहा है। तो ऐसे ये लेकिन रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ समझाने के लिए है। अगर आप ऑलरेडी आपको किसी तरह से लेटर और नंबर की गिनती 26 तक याद है, एसोसिएट की हुई है, तो आप वहां टाइम अपना बचा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज, हमारे पास फिर वो लेटर्स भी हैं और नंबर भी हैं। अब देखना है आपने कि नंबर को नंबर से कंपेयर करना है, लेटर को लेटर से कंपेयर करेंगे। जैसे ये चल रहे हैं 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14 साफ दिखाई दे रहा है, ये प्लस 3 हुए हैं, ये प्लस 3 हुए हैं, ये प्लस 3 हुए हैं और इट मीन 14 में प्लस 3 हो जाएंगे तो एक आपको मिल जाएगा, ये आ गए 17। इट मीन लास्ट में 17 आना चाहिए, 17 ये तो सभी में 17 है। जब ऐसे सभी में 17 है तो आपको उल्टी प्रोसेस शुरू करनी चाहिए, एक नजर ऑप्शन पर लगा लेनी चाहिए, इसको कॉन्स्टेंट कहते हैं कि सभी सिमिलर है सेम है। ओके तो 17 को ढूंढने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि सभी ऑप्शन चार की चार ऑप्शन में 17 जो राइट आंसर पड़ा है। तो अब क्या करेंगे, अब वो दूसरी वाली कोडिंग करेंगे जो लेटर्स की है। लेटर्स की कोडिंग में पहले से के से आई का संबंध, आई से जी का संबंध, जी से ई का संबंध ये देखेंगे और एम से पी का संबंध, पी से एस का संबंध, एस से वी का संबंध और इससे आगे, यहां से हमें पैटर्न रिकॉग्नाइज हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें चाहिए क्या, वही टेबल। अच्छा अब हम के से आई का संबंध लेते हैं, ये रहा के, सर्कल कर रहा हूं और इसके बाद आई, इसके बाद आई का जी, देखिए ये बैक जा रहा है, जी से ई, ओके साफ दिखाई दे रहा है दो दो माइनस चल रहे हैं, माइनस टू, ये संबंध हमें क्या दिखाई दिया, माइनस टू माइनस टू माइनस टू, इतनी पहले का पैटर्न हमें मिल गया है। अगर आप ऐसे भी देखना चाहते हो माइनस टू तो भी देख सकते हो, लेकिन नेक्स्ट वाले भी देख लें, एम का पी के साथ क्या संबंध है, यहां है एम, ये रहा एम, एम को अंडरलाइन कर रहा हूं, ये पता रहे कि सर्कल वाले पहले थे और अंडरलाइन वाले दूसरे, एम का पी ये आ गया पी, ओके पी के बाद एस, ये रहा एस, एस के बाद वी, एस के बाद वी, अब साफ दिखाई दे रहा है कि एम के बाद ये प्लस थ्री प्लस थ्री हो रहे हैं, प्लस थ्री ये प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री, और तो अब देखेंगे कि बी एक्स सूटेबल है जो कोड दिया गया है, कंप्लीट करनी है सीरीज, नेक्स्ट क्या आएगा। ये जो ई से आगे है माइनस टू, ई से माइनस टू करेंगे ये आ रहा है सी, सी हमारे पास यहां पर है और यहां पर है, इट मीन्स ये यहां पर डिलीट हो गई। अच्छा आप इससे पहले सिर्फ एक का देख के भी अंदाजा लगा सकते हो, कई बार वही आंसर एक ही मिल जाता है, अगर नहीं तो नेक्स्ट वाली आपको जो ये सेकेंड प्रोसेस है कि सेकेंड लेटर का भी रिलेशनशिप या पैटर्न फाइंड करना है फिर वो कर सकते हो, यहां मैंने दोनों करके दिखाए हैं। अच्छा अब y का प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री, v को प्लस थ्री करेंगे, ये रहा v, एक दो तीन, ये रहा y और ये रहा माइनस टू का, ये प्लस थ्री का और 70 है, राइट आंसर इज सी। चूज ऑड वन, ट्रंक ट्री हमारे सामने आ गया, एक फ्रूट लीफ फ्लावर, इसमें ऑड क्या है, दिखाई दे रहा है कि ये ट्री के सारे पार्ट्स हैं, ये होल है और ये पार्ट्स हैं, तो ऑड कौन सा हुआ, ये पार्ट्स का कॉम्बिनेशन सिमिलर है, ये ट्री वाला ऑड हो गया, देखेंगे कि ट्री इसमें है, यस बी ट्री इज द राइट आंसर है।
ऑफ द फॉलोइंग, ऐसी फ्रेज को पढ़ने के लिए अवॉइड कर सकते हो, चूज द पेयर विच इज डिफरेंटली रिलेटेड ऑड, है ना, स्टेल एंड फ्रेश. मुझे स्टेल, मेरी वोकैबुलरी वीक है, तो मैं पंजाबी या हिंदी का वर्जन अगर अवेलेबल है तो वो मैं जरूर देखूंगा. वो देखने के लिए यहाँ देख लिया मैंने बासी, यहाँ मैंने देख लिया बासी और ताजा, यहाँ मुझे ज्यादा क्लियर हो गया. दैट इज वाई अपनी मदर टंग या नेशनल जो लैंग्वेज के वर्ड आपको ज्यादा क्लियर है वहां शिफ्ट जरूर कीजिए. तो ये मुझे क्लियर हुआ, बासी ताजा ओपोजिट है, ट्रूथ और लाई ओपोजिट है, स्लो एंड स्लगिश, स्लगिश भी सुस्त होता है, स्लगिश का मुझे वैसे क्लियर है क्या होता है, लेकिन आपको बोलने के लिए तो आप देखेंगे हॉली और आलसी, आलसी भी लोग धीरे धीरे काम करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, तो ये ओपोजिट नहीं होगा, ये समानार्थी के करीब जा रहा है. ये भी ओपोजिट, ये भी ओपोजिट, ये नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क पा गया, ये क्वेश्चन आंसर हो सकता है. टीच लर्न यस, काइंड क्रूअल यस, ये भी ऑपोजिट, ये भी ऑपोजिट, ये ऑपोजिट नहीं है, समानार्थी है. दैट इज वाई डिफरेंटली रिलेटेड राइट आंसर ये होना चाहिए, क्लीन स्लो एंड स्लगिश, तीन इसमें है, यस बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन, जब ऐसे डिजिट दी हुई है अब सबसे पहले अटैक किस पर पिक कीजिए जो आपको सबसे इजी लगती है. मुझे 21 इजी लगा और ये इजी लगा, और इनमें रिलेशनशिप मुझे क्या लगा कि ये भी 7 गुना 3 लग रहे हैं, और ये भी मुझे क्योंकि टेबल आता पहाड़ा आता था ये लग रहे हैं. अब ये मेरा हाइपोथेसिस बना है कि इसमें रिलेशन ये हो सकता है गुना तीन का. इसको फर्दर टेस्ट करने के लिए मैं ये देखूंगा कि ये गुना तीन हो रहा है, इसको इसका पहाड़ा मुझे नहीं आता, तो मैं जल्दी जल्दी में क्या कर रहा हूं, इसको आसान बना लिया, जल्दी जल्दी में 60 बना लिया, और मैंने देखा कि ये तीन से डिवाइड हो रहा है, ये तीन से डिवाइड होकर 20 आया, और अगर एक को तीन से करें तो ये 21, मुझे लगा ये 21 गुना 3 है बन रहा, ये भी बन गया. ओके, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. अब यहां तक सक्सेस दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर 3 सॉल्व हो गया तो पैटर्न या रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट मैं करके क्या देख रहा हूं इसको, ये भी मुझे 15 का जो आ रहा है टेबल, 15 गुना 3 करके देखा तो 45 आ गया. ओके, तो आगे अगर 3 जमा किए तो ये बन गया 48, अगर और 3 जमा किए तो ये बन गया 51. इट मीन्स यहाँ पर 17 का पहाड़ा. अगर आपको आता है पहाड़ा तो वहां ठीक है, मैं ये देख रहा हूँ जैसे मैं वीक हूँ इस स्किल में, तो मैं उसको अपने स्किल के मुताबिक कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने टाइम बचाना है वहां पर, मैंने जो मेरे पास स्कैमास है तो उनको अप्लाई करना है. वो करने के लिए कैलकुलेशन है, जरूरी नहीं है आपको टेबल आते हो. अगर नहीं आते तो आप ऐसे इजी करके कैलकुलेट कर सकते हैं. यहां तक क्या दिखाई दिया है कि गुना तीन से गुना तीन से गुना तीन से गुना तीन से ये मतलब तीन पर डिवाइड हो रहे हैं, तीन पर तीन पर. आगे आप कैलकुलेशन इसकी कर सकते हैं, लेकिन यहां तक अगर 4 ही आपको मिल गए हैं तो इसको टिक लगा दीजिए, आपका टाइम बच जाए. यहां पर अगर आपने काउंट करना है तो काउंट करके भी देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल अब मुझे क्या लगा इसको 3 से डिवाइड करने के लिए, मैंने इसको 90 बना लिया, 80 नहीं बनाया. वहां मुझे 3 डिवाइड करने के लिए 60 लग रहा था नजदीक, मैंने वो कर लिया, यहाँ 90 बनाया, और 90 से डिवाइड 30 गुना 3 हो गया 90. तो अगर मैं इनसे 6 निकालता हूं 90 से, मेरे पास 84 आता है. यहां पर 84 नहीं है, दैट इज वाई ये पक्का ऑड है, क्योंकि ये 3 से गुना होके 3 से डिवाइड होके नहीं आ रहा. क्वेश्चन है फाइंड द सेट अमंग गिवन 4 अल्टरनेटिव सेट्स दैट हैज द सेम रिलेशनशिप एट द गिवन सेट. गिवन सेट कौन सा है, ये क्लास, स्कूल, स्टूडेंट्स. सबसे पहले मैं इनको समझने के लिए मेरे दिमाग में क्या आया कि स्कूल इनमें से सबसे बड़ा है. मैंने यहां क्या ड्रा कर, आपको बता रहा हूं, जरूरी नहीं आपने ड्रा करना है, मैं ड्रा कर रहा हूं. और ये होल है, इसको ऐसे बनाते हैं, ये होल है और क्लास इसका पार्ट है, और क्लास में ये स्टूडेंट बैठा है. ये हो गया होल. इन्होंने कहां रखा है, एक जो स्कूल है सबसे बड़ा उनको सेकंड नंबर पर रखा है, क्लास को नंबर 1 पर रखा है ऑर्डर में, और स्टूडेंट को नंबर
थ्री में रखा है, ये रहा एक नुक्ता, ये है कि ऑर्डर किसमें, ये नुक्ता पक्का देखना है उसको, आप रिलेशनशिप कैसे किस बेस पर निकाल रहे हो। ये मैंने होल पार्ट रिलेशनशिप पर निकाला है। अगर होल दूसरा मेरे मन में क्या है, जब मैंने क्लास स्कूल साइज को देखा और ये मेरे मन में इमेज बन गई, जब मैंने सॉल्व किया था ये इमेज बनी थी, दूसरा मेरे मन में क्राइटेरिया आया साइज, ठीक है, सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, दो क्राइटेरिया बता रहा हूं इसको सॉल्व करने के। मैंने पहले ये देखा कि एक्सट्रीम में साइज में फॉर एग्जांपल सबसे छोटा कौन है, लर्नर है, लर्नर थर्ड प्लेस पर है, जो स्टूडेंट है सबसे छोटा, इट मींस यहां पर मैं ये देखूं कि सबसे छोटी छोटी चीज आ रही है। अच्छा, क्राइटेरिया क्या है कि एक दो तीन, तीसरी चीज सबसे छोटी हो गिवन सेट में से, बॉल बैट पिच, बॉल सबसे छोटी है, ये यहां आ रही, यहां आनी चाहिए थी, अगर यहां बॉल आता तो मैं इसे ऑप्शन को चूज करता, अब मैं इसे रिजेक्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट है सिस्टर फैमिली ब्रदर, अब ब्रदर सबसे छोटा नहीं है, ब्रदर और सिस्टर इक्वल आ रहे हैं, ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है, साइज के हिसाब से, बड़े छोटे के हिसाब से भी। अच्छा, हैंड बॉडी फिंगर, बॉडी सबसे बड़ी आ रही है, फिंगर सबसे, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूं कि ये प्रोबेबल राइट आंसर हो सकता है, ठीक, लेकिन नेक्स्ट को भी देखना है। अब मेरा ये दो रिजेक्ट हो चुके हैं और ये सी को मैंने देखा है कि फिंगर सबसे छोटा है। अब ये क्या है कि लीफ ट्री रूट, अब यहां पर मुझे लग रहा है कि लीफ सबसे छोटा है, ये रिजेक्ट हो रहा है, ये बन रहा है। अगर आपको इतना श्योर है तो आपको इसको टिक लगा सकते हैं। अगर श्योर करना है कि लीफ आपको लग रहा है कि यार ट्री और रूट भी छोटी हो सकती है, तो उसके लिए आपको एक इमेज दिखा रहा हूं, ये देखिए, अगर आपका स्कैमा गलत बना है कि यार रूट छोटी होती है, तो ये गलत है। जितना बड़ा ट्री होगा उतनी बड़ी ही या उससे ज्यादा बड़ी रूट्स फैली हुई होनी चाहिए, इट मींस ट्री के इक्वल रूट्स आ रही हैं। वापस चलेंगे, यहां पर ट्री और रूट्स बराबर आ रहे हैं, लीफ जहां पर थर्ड छोटा हो रहा है। हमारा क्वेश्चन कहां से सॉल्व हो गया कि मैंने एक नुक्ता उठाया था कि इनमें से साइज में सबसे छोटा कौन है और किस ऑर्डर पर है, ये नुक्ता था, और वो रहा स्टूडेंट लास्ट पर सबसे छोटा है, तो इसमें सबसे छोटा यहां भी नहीं दिखाई दिया, यहां भी नहीं दिखाई दिया, यहां भी नहीं दिखाई दिया, यहीं दिखाई दिया, यहां से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपने सेकंड देखना है और सबसे बड़ा कहां है, मिडल में है, सबसे बड़ा जो है मिडल में है, ये हाँ बॉडी यहां मिडल आ रही है, ये सबसे बड़ा नहीं है, रूट भी बड़ी होती है उतनी, ये भी, ये इक्वल चल रहा है, यहां सिस्टर और ब्रदर इक्वल चल रहा है, हाँ ये बॉल बैट पिच ये ठीक चल रहा है, लेकिन अगर बॉल इधर होती तो पिच मिड में होती तो है ना, फिर ये ठीक होना था, तो हर लॉजिक से ये ठीक हो रहा है। इतने लॉजिक आपको क्या बता रहा हूं, स्ट्रेटेजी क्यों बता रहा हूं, आए आपके माइंड को जो इजी लगती है और टाइम कंज्यूम कम होता है उसको अप्लाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सेट इन विच द नंबर्स आर सिमिलरली रिलेटेड एज इन गिवन सेट, गिवन सेट कौन सा है, इसमें आपने रिलेशनशिप पहले देखना है। मुझे ये रिलेशनशिप दिखा है, सेवन को अगर मैं सेवन को डिवाइड करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, सेवन को मल्टीप्लाई करके मुझे लगा है सेवन थ्री, ये तो 21 बने, लेकिन 21 के बाद अगर जमा करूं तीन, अच्छा क्या रिलेशनशिप होगा, गुना तीन और जमा तीन, इसको टेस्ट कर लेते हैं, 30 गुना तीन ये 90 और जमा तीन 93, ये रॉन्ग है, अच्छा 23 इसको करना है, मैंने इजी क्या कर रहा हूं, गुना तीन 2 4 6 3 6 9 इजीली ऐसे कर लिया, ये कोई छोटी रकम सी हो सकता था, अच्छा 69 हो गया, ये हो गया गुना तीन, अब जमा तीन करने हैं, जमा तीन इसमें किए तो ये 72 आ गया, यस ये राइट। अगर यहां तक आप ऐसे भी देख सकते हो कि जिस पर आपको शक लगता है ज्यादा उसको पहले देख लीजिए, ये चांस है कि पहला ही ठीक हो सकता है, कैलकुलेशन है और लास्ट भी, यहां लास्ट पर जाना है तो आप लास्ट तक पहुंचे, आपका टाइम और मेंटल एनर्जी ज्यादा लग रही है, तो अगर आपको लगता है कि गुना तीन और जमा तीन वाला ज्यादा प्रोबेबिलिटी मुझे इसकी दिखाई दे रही है ऑब्जर्वेशन से, तो पहले इसको पकड़ लीजिए।
अगर ये जल्दी जल्दी कैलकुलेट, ये आसान है कर लिया आपने, गुना तीन किया 33, मतलब कुछ भी नहीं करना पड़ा, लिखना भी नहीं पड़ा, इसको कैलकुलेट करके रिजेक्ट कर दो, जमा तीन हो गई, ये 36 बन रहे हैं, ये रिजेक्ट हो गया है ना, ये भी 19 है, आपने 20 किया इसका बनाया और गुना तीन किया और आपका बन गया 60, मतलब के 57 19 का और जमा तीन ये बन गए 60, लेकिन यहाँ है ये भी रिजेक्ट हो गया। सो ऐसे भी आप कर सकते हो, द राइट आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क विद सूटेबल अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। अब दो ऑप्शन, ये दो डॉट्स हैं, जो इसका मतलब है कि इनका दोनों का आपस में कोई संबंध है, रिलेशन है, और ये फोर डॉट्स हैं, इट मींस ये जो रिलेशन आपस में दोनों ए और बी का होगा, या फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का है, वही यहां पर फर्स्ट पार्ट दिया है, सेकंड पार्ट ढूंढना है हमने। तो क्या करना क्या है कि अब इसका इसके साथ रिलेशन है, यहां भी फोर लेटर है, फोर लेटर है, फर्स्ट का पहले के साथ देखेंगे, दूसरे का इसके साथ, तीसरे का इसके साथ, और चौथे का इसके साथ, ये देखेंगे, ये देखने के लिए। अच्छा, आप ये फिंगर से भी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ई, ई के बाद एफ, मैंने ये ढूंढ लिया, ई के बाद एफ है, तो अगर आपको ये इजी लगता है, ये आपने खुद की स्ट्रेटजी देखनी है, ये ए एक का डिफरेंस आ गया, जी एच आई दो का डिफरेंस आ गया, आई जे के एल तीन का डिफरेंस आ गया, के एल एम एन ओ फोर का डिफरेंस आ गया, ठीक। तो ये क्या है, एक दो तीन चार, इट मीन्स यहां पर एक का डिफरेंस होगा, यहां दो का, तीन का और चार का, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। एफ के बाद क्या है, जी, जी सबसे पहले आता है, यहां यहां ये वाले डिलीट हो गए, ओके, तो एच के बाद जी, एच आई जे, आई जे, अब जे आएगा, ये मिल गया, यहां एम है, आंसर हमें मिल गया है लगभग, फिर भी देखते हैं, ओके, जे के बाद, एच के बाद तीन प्लस करने हैं, जी एच आई जे के एल एम, ओके, तो ये हो गया एम, और एल के बाद चार, एल एम एन ओ पी, ठीक है, ये हो गया। तो इसको टेबल से भी आप कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पर टेबल हमारे पास है, दूसरी तरह से टेबल के साथ देखेंगे, ये रहा हमारा आई एफ जी आई आई एल के ओ ई एफ ई एफ, ओके, फर्स्ट हो गया एक का डिफरेंस, जी आई जी एच आई दो का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, आई से एल यहां से यहां तक तीन का डिफरेंस, और के से ओ, ये रहा के, इसको प्लस कर लिया, एक दो तीन चार, ये चार का डिफरेंस, ठीक, मीन क्या है, एक दो तीन चार, वही। अब एफ से, एफ का तो जी है, ऐसे ही ढूंढ लेते हैं, जी यहां मिल गया है, यहां भी मिल गया है, यहां जी फर्स्ट नहीं है, यहां जी फर्स्ट नहीं है, ये क्रॉस, ठीक है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब एफ एफ का आ गया जी, एच का क्या आएगा, एच आई जे, जे आना चाहिए, जे यहां पर है, ठीक है, क्योंकि दो है, या ये दो है, ये एक प्लस करना है, जे को तीन प्लस करने हैं, जे जे के एल एम, यहां एम आना चाहिए, एम है बिल्कुल है, एल के बाद फोर प्लस करने हैं, एल एम एन ओ पी, पी आना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्ट राइट आंसर हमें मिल गया है। लेकिन आपने जैसे मैं फुल कैलकुलेशन करके बताता हूं, जरूरी नहीं है जब आपको ये डिफरेंस मिल गया है कि दूसरों में ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पाए जाते, तो आपने पहले ही टिक लगा देना है। कई बार तो जैसे जी और जे से ही आंसर फाइंड आउट हो गया था, ये मैं बता, आपका टेबल या फिंगर्स, ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। कोडिंग का, इफ आर ओ ए एस टी इज कोडेड एज पी क्यू वाई यू आर इन अ सर्टेन लैंग्वेज, देन हाउ विल स्लूपी बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। इसका अगर ये कोड है तो हमें इसको इससे कंपेयर करना होगा, इसके भी लेटर हैं एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, नेचुरली है कोड, पहले का कोड क्या है, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का,
तो इजी करने के लिए इसे हम कंपेयर करेंगे कि जो लेटर का ऑर्डर हमने टेबल बना रखा है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप जब भी आपके पास एक मिनट है अगर स्टार्टिंग में, तो वो टेबल बना लीजिए। वो टेबल मैंने दोनों तरफ बनाने को कहता हूं। ये देखिए, ये बैकवर्ड पोजीशन में है एबीसीडी का, ओके, फॉरवर्ड पोजीशन में है एबीसीडी। अब हमें चाहिए, हमने कंपेयर करना है इसको लेटर्स को देखने के लिए। तो यहां पर रोस्ट का आर सबसे पहले देखेंगे। आर आर को कंपेयर किससे करना है हमें? पी से, फर्स्ट लेटर से। यहां आर है, ठीक, अंडरलाइन किया मैंने और ये अंडरलाइन किया पी को। तो ये बन गया, यहां पर गया आर का कोड है पी। इट मींस ये रिवर्स ऑर्डर जा रहा है, माइनस टू, ठीक। नेक्स्ट ओ का देखने लगा हूं मैं, दो ओ को किससे? क्यू। ओ का कोड क्यू है, ये रहा ओ, इसको सर्कल कर दिया और इसका कोड बना है क्यू, ये रहा, ठीक, सर्कल कर दिया। ये डिफरेंस है, फर्स्ट है, सेकंड है, तो ये ओ क्यू, ये आगे जा रहा है। इट मींस ये हो गया प्लस टू। कोडिंग का पैटर्न ढूंढने की हम कोशिश कर रहे थे, अभी तक हमें ये लगा है कि माइनस टू प्लस टू का पैटर्न हो सकता है। मैं अब ये जज कर चुका हूं, जहां ये मेरा हाइपोथेसिस है, गलत भी हो सकता है, इसको टेस्ट एक नेक्स्ट पर फिर कर लेना चाहिए। पैटर्न क्या मिला है? माइनस टू, यहां पर आर माइनस टू है, ओ प्लस टू है, ठीक। ए को भी देख लेते हैं, थर्ड ए का किसके साथ देखना है? यहां सर्कल किया है, यहां थर्ड है वाई, ए का वाई, ए ए को माइनस टू जाना है, माइनस टू प्लस टू माइनस टू, माइनस टू जाना है, माइनस टू ये जाएंगे। अब ये माइनस कब कैसे होगा यहां, इसीलिए ये प्रॉब्लम दी गई है। इसके लिए आप माइनस टू में जाएंगे, जेड और वाई, ये इसका वाई होगा, माइनस टू करके ए का वाई आता है। क्या ए का वाई है? यस, ए का वाई है, बिल्कुल ठीक है। एस का अब प्लस टू करेंगे, एस को यहां पर यू के साथ, एस ये रहा यहां पर, ब्लॉक लगा दिया मैंने, और ये प्लस टू है, इट मींस यू होना चाहिए, बिल्कुल यू है, प्लस टू पैटर्न पक्का हो गया, माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू। अब हमें स्लूपी का ढूंढना है, यहां पर मैंने आपको दिखाने के लिए लिख लिया, माइनस टू एस को करना है और प्लस टू को और प्लस टू पी को, अभी पी को माइनस टू और y को प्लस टू, ये पैटर्न है, इसकी कोडिंग ऐसे होगी। अब s को माइनस टू करेंगे, s के पास जाएंगे, ये रहा s, इसकी कोडिंग माइनस टू, ये r, ये q, q होना चाहिए, s का कोड हमने ढूंढ लिया है कि ये q होना चाहिए। तो यहां पर q किसी में आ रहा है? पहले वाला q होना चाहिए, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, सिर्फ एक में आ रहा है। यहां पर क्या हो गया? सोल्यूशन जल्दी मिल गया, क्योंकि पहला इतना ऑड मिल गया कि s का q है। अगर आपने श्योर करना है तो आप दूसरा भी देख सकते हो, ये हमें वैसे राइट आंसर मिल गया है। अच्छा, l का प्लस टू होना चाहिए, l का प्लस टू, ये रहा l, 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 सर्कल किया मैंने, प्लस टू, m और n, ये रहा n, इसका मतलब है कि l का कोड n होना चाहिए अगर हम ठीक है। तो q में हमने शोर करने के लिए देखा तो n मिल गया, तो यहां तक काफी है कि हमें, हमने जब माइनस टू प्लस टू जो पैटर्न आइडेंटिफाई किया था, डिडक्टिव कोडिंग की रीजनिंग है, वो हमें सफलता से ये मिल गया है, राइट आंसर है ए बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वो भी कोडिंग का है, इन ए सर्टन डिफेंस कोड, डिफेंस एग्जांपल यहां दी गई है, क्योंकि डिफेंस में जो सोल्जर है किसी मिशन पर, सीक्रेट मिशन पर जाते हैं, तो उन्होंने कम्युनिकेशन करना है, तो कोडिंग में करते हैं कि वो दूसरा डी कोड उसको ना कर सके, मीनिंग ना उसने का जान ले, मीनिंग पता चल गया तो बिल्कुल जाए। कई बार शायद पुराने जमाने में, शायद अभी प्रेमी प्रेमिका भी कोडिंग में बातें करते हो, तो वो कोड क्या है? ये वाला पोर्शन है, पूरा कैपिटल लेटर में लिखा है यहां तक, ठीक। और दूसरा किस कोड क्या किया गया है? इसको ऐसे कोड किया गया है, तो मैंने इसको थोड़ा सा अलग कर लिया कि मैं कंफ्यूज ना हूं, बार बार अपनी परसेप्शन को कि ये इसका है या इसका है। नेचुरली है, जब कोडिंग है तो उतने ही लेटर्स या उतने ही वर्ड उसके पैरेलल दिए होंगे, तो मैंने पहले देख लिया इसका, ये एक वर्ड है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है,
ये सिक्स्थ है, सेवन्थ है, ऐसे ही जो कोड उसका बनाया गया है वो आ गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। ओके, तो अब क्या है कि अकॉर्डिंगली रिवार्ड विल बी कोडेड। अगर वो डिफेंस वाले ऐसे कोड करते हैं तो रिवार्ड को वो कैसे कोड करेंगे, उसके लिए हमें ढूंढना है पहले कि आर को कैसे कोड करते हैं। आर को ढूंढेंगे यहाँ पर, गेट में आर नहीं है, अवे में आर नहीं है, फायर में आर है, मुझे आर मिल गया ये वाला, ठीक है, मैंने इस रेक्टेंगल में कैद कर दिया। तो आर ये पहला दोस्त, तीसरा है, इसके तीसरे से मैं कंपेयर करूंगा, ये वाला है तीसरा, ये वाला, ठीक है, और इस फायर का तीसरा लेटर है, वर्ल्ड भी तीसरा है, लेटर भी तीसरा है, ये कौन सा बना, ओ, इसको भी मैंने ये कैद कर दिया, आर की कोडिंग ओ कर रहे हैं। इट मींस पहला वर्ड ओ होना चाहिए, यहां मैं देखूंगा ओ किसमें नहीं है, पहला वर्ड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये मेहनत अब तक की लगभग बेकार गई है क्योंकि सभी में है। अब आपको मैं क्या कर रहा हूं, स्किप कर रहा हूं, जान तो मैं और देखूंगा कि लास्ट में ई यू एक्स एक्स है तो मैं लास्ट वाला भी देख सकता हूं एक बार, क्योंकि मेरे मैं टाइम बचाना चाहता हूं। मैंने क्या किया, अब डी का कोड ढूंढने लगा हूं, डी, तो डी कहां आ रहा है, गेट में नहीं है, ये वर्ड्स वर्ड्स में आ रहा है, डी है ना, कौन से पांचवें वर्ड में है और चौथा लेटर है, पांचवें वर्ड में चौथा लेटर ये रहा, ठीक, इट मीन्स डी की कोडिंग हुई एक्स। तो मैंने लास्ट वाला डी देखा था, लास्ट में एक्स आएगा, एक्स वाले ओ शुरू में और लास्ट में एक्स वाले कितने हैं, ओ शुरू में लास्ट में एक्स नहीं है, ओ शुरू में लास्ट में एक्स नहीं है, ओ शुरू लास्ट में एक्स है, यस, ओ शुरू में लास्ट में एक्स है, इट मीन्स या इन दोनों में से ठीक है। अब मैं देखूंगा कि इन दोनों में कौन सा ऑड है, यहां भी ओ है, ओ है, इसकी कोडिंग देखने की जरूरत नहीं है, बेकार जाएगी, सी है, सी है, बेकार जाएगी, डी है, डी है, बेकार जाएगी, अच्छा यहाँ ई है, यहाँ टी है, इट मींस मैं सेकंड वाला देखूं, रिवार्ड का सेकंड ई का कोड क्या है, क्या ई का कोड जहां तो ई होगा जहां टी होगा। अब मैं ई इधर से ढूंढूंगा, ई गेट पहले में मिल गया, ठीक, पहले में पहला वर्ड यहाँ बेन है, उसका मिडिल वाला यहाँ, इसका मिडिल वाला ई का ई है, हाँ आंसर मिल गया, तो आर ई, ई का ई है, ये ओ मैंने देखा, लास्ट एक्स मिल गया और ई देखा, ये सिर्फ इसी में है, दैट इज व्हाई राइट आंसर हमें मिल गया, ये है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज, हमें कोड दिए गए हैं, लैंग्वेज दी गई है और कोई खास वर्ड है लैंग्वेज का, उसको डीकोडिंग करनी है। तो मेरे ख्याल में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो सारी इंग्लिश है और ये कंफ्यूज कर रही है, अगर आप पंजाबी में जा रहे हैं तो आपको लैंग्वेज और कोड को इजीली आइडेंटिफाई आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये है वो सर्टन लैंग्वेज और ये है उसके मीनिंग, लैंग्वेज और मीनिंग, तो इनके मीनिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए हम पहले कंपेयर करेंगे पहले लैंग्वेज से, पहली लैंग्वेज और उसके जो मीनिंग है, पिट ना सा, और इसमें देखेंगे कि कॉमन वर्ड क्या है, पिट ना सा, ना हो पाला, तो ये मुझे मिला है, मैंने अंडरलाइन कर लिया इसको, ना को अंडरलाइन कर लिया, तो इसमें और तो कोई कॉमन नहीं है, नहीं है और कोई कॉमन, इसका मतलब है ये कॉमन है, इसके मीनिंग में भी देखना होगा, यू आर वेलकम, दे आर वेरी गुड, अब ये आर इसमें कॉमन है, इसमें आर कॉमन है, तो क्या मतलब हुआ कि ना का कोड हो गया आर, एक बात मिल गई है। अब मैं पहले से तीसरे को कंपेयर करूंगा, पिट सा, क्योंकि ये अंडरलाइन हो गया है, इसको बार बार नहीं अभी देखूंगा, पिट सा, इसमें है का दा ला, तो कोई वर्ड इसमें मैच नहीं कर रहा है, इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट में देखूंगा फोर्थ के साथ पिट सा, और इसमें पिट मिल रहा है, ये वाला, ये डबल अंडरलाइनिंग इसको कर ली मैंने, और पिट को भी डबल अंडरलाइनिंग कर ली है, और इसमें देखूंगा यू वेलकम, आ तो हो चुका है ना, तो दे वेलकम गुड पीपल, ठीक, यू और वेलकम से क्या क्या मिल रहा है, यू नहीं आ रहा है, वेलकम मिल रहा है, तो वेलकम को अंडरलाइनिंग डबल कर ली, यहां पर भी वेलकम को डबल अंडरलाइनिंग कर ली,
और ये हो गया मेरा मीनिंग जो है पिट का मतलब हो गया वेलकम, पिट का मतलब हो गया ठीक। अब इनका इनसे इनके साथ कंपेयर करूंगा ये सेकंड को थर्ड के साथ, हो पाला इसमें कौन सा कॉमन है, ला, ला कॉमन आ गया तो इसको मैंने स्क्वेयर में ब्लॉक कर दिया, इसमें इसको कैद कर दिया तो ला इसमें कंपेयर करूंगा, दे वेरी गुड इसमें क्या है, हु इज गुड। अब ये गुड जो है कॉमन इनमें है, यहां भी गुड है, यहां भी गुड है ठीक है, यहां ला है, ला है इसका मतलब है कि ला का मतलब हो गया गुड। तीसरा आइडेंटिफाई कर लिया ओके। तो अब इसका इसके साथ, अब इसका इसके साथ कंपैरिजन करूंगा, का दा इसमें का दा नहीं है ठीक। अब कौन सा रह गया किसके साथ, अब दूसरे का चौथे के साथ कंपैरिजन है, दूसरे में क्या है, हो पा इसमें हो है, इसमें मैंने ट्रायंगल में कैद कर दिया हो को, यहां भी ट्रायंगल में कैद कर दिया, और इसमें कॉमन क्या रह गया, दे और वेरी है, और इसमें कौन से हैं, दे और गुड पीपल, दे यहां पर कॉमन है ट्रायंगल में कर दिया, ये भी ट्रायंगल में कर दिया, और हो का मतलब हो गया, मतलब हो गया दे। अब आइडेंटिफाई क्या करना है, सभी मैंने कोडिंग निकाल ली है, पा का कोड डीकोड करना है, इसका मीनिंग निकालना है, पा कहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां ये रहे पा, इनको मैं सर्कल कर लिया डबल ठीक है, इसको ढूंढना है पा, पा का दे भी हो चुका है, आर भी हो चुका है, गुड भी हो चुका है, पा का वेरी बचा, सिंपल वेरी सिंपल ठीक है। तो पा और कहीं है ही नहीं, पा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो पा का डायरेक्टली मीनिंग हो गया वेरी। तो यहां वेरी ऑप्शन है, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पा लैंग्वेज का वर्ड जो है उसकी कोडिंग डिकोडिंग है वेरी। क्वेश्चन भी पहले जैसा है कोडिंग डिकोडिंग का, क्योंकि पहले में ये जो है इंग्लिश में कोड है और लिखा हुआ भी इंग्लिश में है और ये भी इंग्लिश में है, परसेप्शन बेस्ड ये फिर मुझे कंफ्यूज कर रही है, और ये देखिए पंजाबी में है कैसे क्लियर दिख रहा है कि इसमें और इसमें है ना, इसमें ये कंपैरिजन इनमें करने हैं, इनमें अर्थ है, अर्थ है, इनमें कंपैरिजन नहीं करना। दूसरी यहां प्रॉब्लम क्या है कि ये पैरा रूप में लगभग दिए हैं, ऐसे नहीं है कि एक सेंटेंस उसका अर्थ ये है, जैसे पिछले में था ये अलग अलग दिखाई दे रहा था ना, ये आपको जो अलग अलग दिए गए हैं ये कम कंफ्यूज करते हैं और ये आपकी रीडिबिलिटी में, लेजिबिलिटी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं के पढ़ना कैसे है। दैट इज वाई मैं इन दोनों कंपैरिजन से इंग्लिश वाले की जगह पर पंजाबी को जहां हिंदी को प्रेफर कर रहा हूं, क्योंकि रीडेबिलिटी में ये में मुझे हेल्प करेगी। अब हमें डिकोडिंग करनी है, पहले जैसे हमने देखना है कि ली रा दे इसका अर्थ है व्हाट वाज इट, पहले मैं क्या देखूंगा कि ली रा दे इसमें जो शब्द आ रहे हैं वो किसमें आ रहे हैं कॉमन। पहले मैं ली को देखा, इसको डिफरेंस रखने के लिए अंडरलाइन कर लिया, मुझे इजी रहेगा देखना, मेरे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग दिमाग में ब्रेन में इजी होगी। ली कहां है, मैं ली ढूंढूंगा, जो जिसका कोड है ली यहां नहीं है, ली यहां नहीं है, ये रहा ली, ली को अंडरलाइन कर लिया। अब इसके जो अर्थ है व्हाट वाज इट और इसके जो अर्थ है शी वाज सिक, इनमें देखेंगे कॉमन कौन सा है, क्योंकि यहां लीली कॉमन है, इट मीन इसके अर्थ में भी कौन कौन सा कॉमन होना चाहिए। व्हाट वाज इट, व्हाट इसमें कॉमन नहीं है, वाज वाज इसमें वाज कॉमन है, अंडरलाइन कर लिया ठीक है। यहां इट है, यहां सिक है, इट मीन्स ली का मतलब वाज हुआ, यहां मैंने लिख लिया ली का मतलब वाज हुआ, एक मैंने ढूंढ लिया। नेक्स्ट है रा कहां है, इसको मैंने सर्कल स्क्वायर में लिख लिया है, डिफरेंस नजर आएगा, रा और कहां है, यहां, इट मीन्स इसके और इसके अर्थ में मैंने कॉमन ढूंढना है कौन सा है, ये है व्हाट वाज इट और इसका क्या है यू लाइक इट ठीक। तो ये इट यहां है और इट ही यहां है, ये रहा इट, मिल गया मुझे कॉमन इनमें, क्या इसका मतलब हुआ, रा का मतलब हो गया
एक दो मिल गए और क्या है दे है, दे इसमें नहीं है, दे इसमें नहीं है, डी ई इसमें नहीं है, डी ई इसमें नहीं है, उसको मैंने छोड़ दिया। और मुझे इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, मो है कहीं मोर नहीं है, यही इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मो नहीं है, नील है नील, ये रहा ये मैंने सर्कल कर लिया अलग से बताने के लिए, ये रहा सर्कल यहाँ पर। मोर नील का अर्थ है यू गो, यहाँ पर इसका अर्थ है यू लाइक इट, इट भी हो चुका है, इसमें यू कॉमन है, ये यू को सर्कल गया, सर्कल गया। और नील का मतलब क्या मुझे मिला, नील का मतलब मिला मुझे यू। चलो ये तीन इंफॉर्मेशन आई है इसमें से निकाली है, बाकी जो नहीं निकली वो भी यूज होगी। नील अपने करना क्या है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट यू लाइक के लिए कौन सा पॉड इसमें राइट होगा। व्हाट मुझे नहीं मिला यहाँ पर, यू मुझे मिल गया ये नील, मैंने यहाँ पर लिख लिया नील, ओके। लाइक का भी मुझे नहीं मिला। अब इट मीन्स व्हाट यू लाइक, इसमें नील जो यू है जरूर आएगा। अब मैं ऑप्शन में देख रहा हूँ नील किस किस में नहीं है, उसको रिजेक्ट कर दूंगा, नील इसमें नहीं है, ये रिजेक्ट हो गया, नील इसमें है, नील इसमें है, इसमें है, इनमें से राइट आंसर है। अब मैंने क्या देखना है कि व्हाट का मीनिंग मुझे नहीं मिला, व्हाट का मीनिंग ढूंढने के लिए बैक जाऊंगा कि व्हाट किसमें लिखा है, इसका ये ढूंढना है मैंने, व्हाट आ गया यहां पर ये व्हाट, ओके। तो व्हाट इसके कोडिंग क्या थी, कोडिंग ली रा दे। अब ये जो मैंने डिफरेंट निशान लगाए हैं, मार्क किए हैं, वो मेरी हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि जो अंडरलाइन जहां मैंने रेक्टेंगल में कैद किए हैं उनकी कोडिंग मिल चुकी है। मैंने कोडिंग किसकी ढूंढनी है, व्हाट की, तो वो कोडिंग इसमें है, तो इसमें ली की कोडिंग हो चुकी है, इसका मतलब है ली व्हाट नहीं है, रा की भी हो चुकी है, इट मीन्स रा व्हाट नहीं है, तो व्हाट बच कौन रहा है, ये बच रहा है डी, इट मीन्स डी व्हाट की कोडिंग क्या है डी। अब डी नील किस में आ रहा है, डी नील नहीं, डी नील इसमें ही आ रहा है, और ये डी इसका राइट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज से है, विंडिकेट शब्द दिया गया है, तो इसका सिनोनिमस समान अर्थ ही ढूंढना है, तो मुझे भी खुद नहीं पता, मैंने डिक्शनरी में से देखा है, लेकिन निकालेंगे कैसे, जैसे विंडिकेट का इंडिकेट है ना करके दे दिखाया है, तो ये नॉर्मली रॉन्ग आंसर होगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन करने के लिए विंडिकेट को इंडिगो या कलर के साथ कोई जुड़ा है, ये भी मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, और तूफान इसमें से कोई एक लग रहा है, ठीक, लेकिन मैं जस्टिस जब मैंने डिक्शनरी देखी है तो इसका मतलब तो डिफेंड ही होता है, दैट इज वाई डिक्शनरी पर मैंने देख के आपको बता रहा हूँ, फ्री फ्रॉम एलिगेशन और ब्लेम टू प्रोवाइड जस्टिफिकेशन और डिफेंस जस्टिफाई, तो ये इसका मतलब हुआ। ये आपकी वोकैबुलरी कितनी है उसको टेस्ट करने के लिए है, ये तो जितनी आप न्यूज़पेपर या रीडिंग आपकी होगी, डिक्शनरी देखते हो, उतनी वो ज्यादा होगी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट का विपरीत अर्थ क्या है, डेवलपमेंट का मुझे मीनिंग पता है, मैं उसकी माइंड मैप बनाने लगा हूँ, डेवलपमेंट का मुझे जो मीनिंग पता है, बेशक वो फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इट मीन्स ग्राफ ऊपर को जाएगा, जो दूसरा पॉजिटिविटी होगी, हाँ प्रोग्रेस होगी डेवलपमेंट में, ये मतलब मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो इससे प्रोग्रेस से मिलता है ये प्रोग्रेशन दिखाई दे रहा है। इन्होंने विपरीत अर्थ पूछा है, मैंने ये रिटार्डेशन जो है, जैसे मेंटल रिटार्डेशन है, ये अकेले मेंटल की नहीं बात करें, ये कंफ्यूज करेगा, और ट्रांसग्रेशन इसका मुझे मीनिंग नहीं क्लियर, हाँ इनके दोनों के करीब लग रहा है, रिट्रोग्रेशन, जैसे ये प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेस है, रिट्रोग्रेस है, मैं ज्यादा इसको चूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऊपर को ले जाने वाली है डेवलपमेंट, रिट्रोग्रेशन जो है नीचे ले जाने वाली है ना, यहाँ पर प्रोग्रेशन मैंने ऐसे अंदाजा लगाया, और ये रिट्रो बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइव गर्ल्स मधु आरती कानन रेखा सुमन आर मैरिड टू महेश योगेश रवि मुकेश एंड ज्ञान बट नॉट इन द सेम ऑर्डर, ये कौन से, इनके पहले नाम मैंने लिखने लगा हूँ रेड पेन से, एम ए के आर एंड सुमन एस, और ये कौन से गर्ल्स हैं,
यहाँ पर ब्रीक करके मैंने लिख लिया गर्ल्स, और ये हस्बैंड है यहाँ से शुरू होते महेश, ये लिख लिया यहाँ पर एम से महेश, योगेश, रवि, केश, ये क्योंकि एम और एम दो आ गए हैं इसलिए ये मुकेश है, यहाँ पर छोटा यू डाल लिया है, ये महेश है ए डाल लिया है, ये डिफरेंस आने के लिए। क्या किया है लास्ट पर है हमारे पास ज्ञान जी। अब मैं थोड़ा बारीक पेन यूज करूंगा नीले वाला, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फर्स्ट लेटर्स ऑफ द नेम्स ऑफ द कपल्स आर नॉट द सेम, इसका मतलब है कि फर्स्ट लेटर एम की एम से शादी नहीं हुई, एम की इसके साथ शादी नहीं हुई, आर की आर के साथ शादी नहीं हुई, तो ये जो है सेम डिजिट है उनकी शादी नहीं हुई, ये हो गया पक्का। ये यहाँ क्रॉस भी कर सकते हो, जैसे एम की एम के साथ नॉट यहाँ लगा दिया, एम की एम के साथ नॉट ये हो गया, आर की आर के साथ नॉट ये हो गया, इनका रिश्ता नहीं है और कोई आपस में नहीं मिलता, दैट इज वाई उनकी हो सकती। आरती एंड कानन आर नॉट मैरिड विद योगेश, आरती एंड कानन, आरती योगेश के साथ नहीं है, कानन भी योगेश के साथ नहीं है, ये भी हो गया। सुमन इज नॉट मैरिड विद मुकेश, सुमन इज नॉट मैरिड विद मुकेश, ये हो गया, ये कांटा लगा दिया हमने। योगेश एंड ज्ञान आर नॉट सुमन्स और मधुज हस्बैंड, मैंने पहले दोनों को उठाया, योगेश एंड ज्ञान आर नॉट विद सुमन, योगेश एंड ज्ञान, योगेश एंड ज्ञान नॉट विद सुमन, ये रहे सुमन के साथ नहीं, योगेश एंड ज्ञान नॉट विद सुमन, ये रहा इनके साथ। दूसरा क्या है, योगेश एंड ज्ञान नॉट विद मधु, योगेश एंड ज्ञान नॉट विद मधु, ये रहा योगेश एंड ज्ञान, जाएगी ये लीजिए मधु, इनका आपस में रिलेशन नहीं है, ये क्लियर है। अब कानन एंड रेखाज हस्बैंड नेम डू नॉट स्टार्ट विद एम, कानन एंड रेखाज हस्बैंड ये और ये, इनके हस्बैंड का एम से स्टार्ट नहीं होता, इट मीन्स कानन भी यहाँ से आया, ये एम नहीं है, और ये कानन यहाँ पर आया, ये एम नहीं है, और रेखा का है दूसरा, रेखा का नेम नहीं है, हाँ कानन रेखा भी एम के साथ नहीं है, ये रहा, और रेखा का एम ये रहा, इधर से ये कंफ्यूज करेगा ये थोड़ा सा, हाँ ये आ गया, किसका किसके साथ रिलेशन नहीं है, वेरी कॉम्प्लेक्स। अब क्वेश्चन क्या पूछते हैं, हु इज रवीज वाइफ, अब ढूंढना क्या है, उसको सर्कल करने लगा हूँ ब्लैक से, रवि कौन है यहाँ पर, इसकी वाइफ कौन है, ठीक रवि की वाइफ ये देखना है कि रवि का किसके किसके साथ संबंध नहीं है, रवि का आर के साथ नहीं है और रवि का सभी के साथ हो सकता है, इट मीन्स रवि का की वाइफ एम ए के और एस हो सकती है। अब ये देखते हैं कि एम हो सकती है, एम का संबंध एम के साथ नहीं है, इसके साथ नहीं है, इसके साथ नहीं है और इसके साथ भी नहीं है, ये देखिए ध्यान से, एम का संबंध इनके साथ, इनके साथ, इनके साथ और इनके साथ नहीं है, इट मीन्स रवि के साथ हुआ ना संबंध, तो फर्स्ट आंसर मिल गया हमें, ब्लैक का ब्लैक से करेंगे ये, इट मीन्स ब्लैक ब्लैक हस्बैंड वाइफ है, पहली बात मिल गया, यहाँ लिखना आप लिख भी सकते हो रवि हस्बैंड वाइफ। दूसरा क्या है क्वेश्चन, हु इज आरतीज हस्बैंड, अब आरती के हस्बैंड को ढूंढते हैं भाई, आरती कहाँ हो, ये आरती है ये वाला, ओके आरती का अब हस्बैंड ढूंढना है, कलर डिफरेंस आ गया है, आरती का हस्बैंड ये नहीं हो सकता और आरती के सारे हस्बैंड हो सकते हैं भाई, आरती ये क्या कर रहे हो, एक ये नहीं हो सकते, ठीक है वाई निकल गया, अब ये देखना है कि क्या ये हो सकते हैं, ये कैसे हो सकते हैं, ये इनके साथ संबंध नहीं है, इनके साथ संबंध नहीं है, इनके साथ संबंध नहीं है, देखिए इनके साथ नहीं है संबंध, इनके साथ नहीं है, इनके साथ नहीं है, और हाँ देख लिया कि आरती का इनके साथ संबंध नहीं है, ये चार ऑप्शन हो सकते हैं, पहले ऑप्शन में ये दे देखा है कि इनका एक दो तीन ये और ये संबंध इनके साथ नहीं है, लेकिन इनका इट मींस जहां तो आरती के साथ है जहां फिर सुमन के साथ है, तो ये क्लियर नहीं हो रहा,
आगे टेस्ट करते हैं, योगेश का इनके साथ नहीं है, रवि पहले मैरिड है इनसे, और ये मुकेश के साथ देखते हैं। मुकेश और ये फ्री है मुकेश से, अभी लाइन मतलब फ्री है, तो मुकेश का किनके साथ नहीं है? मुकेश का ये रहा, लीला जा रहा है, इनके के साथ नहीं है, आर के साथ नहीं है, एस के साथ नहीं है। मुकेश का इनके साथ, इनके साथ, इनके साथ नहीं है, तो एम का इनके साथ हो ही नहीं सकता, ये इनके साथ भी नहीं है, तो मुकेश बचे इनसे, मुकेश ए मधु के साथ। ये सर्कल वैसे कर दिया, यहां लिख भी दिया आरती, ये दो हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ज्ञान इज मैरिड टू कर्ण। अब अच्छा, हमने ये देखा था कि इनकी वाइफ जो है, ये भी देख ले, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ओके, ये मैरिड इनसे मिल गए, तो इसका मतलब है इनकी वाइफ जो है, सॉरी हाँ, इनकी वाइफ एस बचती है, ये बचती है, और कोई ढूंढना है, देख लेते हैं। ज्ञान इज मैरिड टू कहन, रॉन्ग निकालना है, ज्ञान इज मैरिड टू कहन, ज्ञान इनके साथ नहीं है, है ना, तो ज्ञान इनके साथ भी नहीं है, ये ऑलरेडी मैरिड है, के बच रहे हैं, के का किसी के साथ नहीं है, आर का किसी के साथ नहीं है, ये दो बच रहे हैं, तो ये के का किस किस के साथ नहीं है, के का इनके साथ नहीं है, के का वाई के साथ भी नहीं है, के का इनके साथ भी नहीं है, के का आर ऑलरेडी इंगेज है, के तो जी के साथ बन रहे हैं अभी, क्यों, क्योंकि के जी इनके साथ नहीं है, अकेले के और जी हो गए, के जी, बाकी कौन बचा, योगेश का कौन है, योगेश ढूंढे हैं, अब योगेश का इनके साथ नहीं है, इनके साथ नहीं है, इनके साथ नहीं है, इनके साथ नहीं है, योगेश के लिए बचते ही सिर्फ आर है, है ना, हाँ योगेश का आर के साथ है, सारे ढूंढ लिए हैं हम, देखते हैं कि ज्ञान इज मैरिड टू कानन, ज्ञान इज कानन के साथ मैरिड है, ये तो ठीक। सुमन इज नॉट मुकेश वाइफ, सुमन इज नॉट मुकेश वाइफ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उसकी वाइफ नहीं है, महेश की है ना। आरती इज नॉट रवीज वाइफ, आरती इज नॉट रवीज वाइफ, हाँ वो तो मुकेश की वाइफ है, बड़ा चक्कर डाल गया, ये लड़ाई होगी इनकी पक्का है, इतना वाइफ का जमीला डाला है। रेखा इज नॉट योगेश वाइफ, रेखा इज नॉट योगेश वाइफ, क्यों नहीं है, वो उसी की है, ये गलत है, लास्ट वाला डी गलत। तो ये ऐसे एक तरफ ही आपने लिखनी है, मैंने जल्दी में गलती की है, उसके लिए माफी मांगता हूँ। तो ये एक तरफ फीमेल है, दूसरी तरफ मेल है, तो सारे कंक्लूजन है, ये टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन प्रैक्टिस के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलोजिज्म का है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट्स फोर कंक्लूजन, ये डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं, जब भी स्टेटमेंट्स आती है वो डिडक्टिव रीजनिंग होती है, जहां नंबर की एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, वो पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं, वो इंडक्टिव रीजनिंग है, ये जाती है जनरल से पर्टिकुलर की तरफ। हमने जनरल कंक्लूजन क्या दिए हुए हैं, कंक्लूजन आर गिवन, फाइंड द ट्रू अल्टरनेटिव ए बी सी डी, स्टेटमेंट है All branches are flowers. सबसे पहले इसको concrete रूप में लिखेंगे, All branches are flowers. मैंने B का मतलब branches ले लिया और ये रहा flower. All branches are flowers. दूसरी क्या है, All flowers are leaves. All flowers are leaves. ये हो गई लीव्स, ने इनको ब्लैक में लिख लिया है लीव। तो अब कंक्लूजन कौन कौन से ठीक हैं वो देखने हैं, ऑल फ्लावर्स आर लीव कंक्लूजन, ओके, इसमें कौन कौन सा निकल सकता है, सबसे पहले है, उड़ गया, आ जाओ वापस, ऑल ब्रांचेस आर लीव, ऑल ब्रांचेस, इसका घेरा कम है, आर लीव्स, यस, देखिए ध्यान से, ये मिडल में है, इट मीन्स ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर, ठीक है, ऑल ब्रांचेस आर लीव, ठीक है, हाँ, ऑल लीव्स आर ब्रांचेस, ये गलत हो गया, हाँ, सम लीव्स आर ब्रांचेस, क्योंकि कॉमन एरिया इतना दोनों का है, इसलिए सम वो बनता है, ऐसे ही ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर हो गया, ऑल फ्लावर्स आर ब्रांच गलत हो गया, हाँ, सम फ्लावर्स आर ब्रांच ब्रांचेस वो ठीक है, क्योंकि इतना एरिया दोनों का कॉमन है, तो यहाँ पर देखना है ऑल ब्रांचेस आर लीव, ऑल ब्रांचेस आर लीव, ये ठीक है, पहले वाला ओके है, ठीक, पहले वाला हमने लिख लिया, राइट आंसर है, ऑल लीव्स आर ब्रांचेस, ऑल लीव्स आर ब्रांचेस ये नहीं हो सकता, गलत है, ऑल फ्लावर्स आर ब्रांचेस, ऑल फ्लावर्स आर ब्रांचेस ये भी गलत है, सम लीव्स आर ब्रांचेस,
सम लीव्स आर ब्रांचेज, ये ठीक है, कौन सा है, ये फोर्थ है। नन फॉलो, कोई नहीं फॉलो होता, नहीं हो रहा है। पहला और चौथा इसमें ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट और ओनली फर्स्ट एंड फोर है ये। बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। फाइव स्टेटमेंट्स आर गिवन, गो फाइंड द ऑप्शन वेयर द थर्ड स्टेटमेंट इज द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम प्रोसीडिंग टू स्टेटमेंट्स। क्योंकि मेरी इंग्लिश कमजोर है, मैं हिंदी या पंजाबी पर मूव कर रहा हूं, वो देखने लगा हूं कि इसका क्या मतलब है। पांच कथन दिए गए हैं, वह विकल्प ढूंढे जहां तीसरा कथन पिछले दो कथन से निकाला गया निष्कर्ष है। अब समझ आ गया, वो कह रहे हैं कि ये सेट दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल क्या ए बी सी, मतलब क्या ए और बी के बेस पर ये कंक्लूजन निकल रहा है, जब ए और सी के बेस पर बी कंक्लूजन निकल रहा है, या ए और बी के बेस पर ई कंक्लूजन निकल रहा है, या ए और डी के बेस पर ई कंक्लूजन निकल रहा है। तो हमें ये सेट उठा के एक एक इवेल्युएट करना पड़ेगा। क्या पहले पहले को चेक करते हैं, पहले ए बी के बेस पर सी देखेंगे। ए क्या है, नो पी इज सी, मैंने अब ये पूरा वर्ड नहीं बोल रहा हूं, इसको उठा रहा हूं, ठीक है। नो पी इज सी, ये मैंने इसका डायग्राम बना दिया, नो पी इज सी, यहां पी लिख दिया, ये सी लिख दिया। अब बी क्या है, आर रामदास इज नॉट क्रिमिनल, आर इज नॉट ए क्रिमिनल, आर इससे मतलब नॉट है तो बाहर आएगा, आर यहां पर क्रिमिनल नहीं है, ये नहीं बताया कि वो यहां है या यहां है। इट मींस प्रोबेबिलिटी आधी आधी है कि आर यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, वो पी का पार्ट भी हो सकता है, पी के बाहर भी हो सकता है, दो प्रोबेबिलिटी बनती है। तो सी क्या निकल रहा है, सी क्या है, रामदास इज ए पी, आर इज ए पी, आर इज ए पी नहीं निकलता, क्योंकि उसकी बाहर होने की 50% प्रोबेबिलिटी है। तो पहले वाला नहीं निकल रहा, इसको क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट है ए और सी के बेस पर हमने देखना है, नेक्स्ट पर चलते हैं। यस, ए और सी, ए क्या है, नो पी और ये नो सी, पहला ए हो गया और सी है आर इज ए पी, आर ये रहा आर, इसने अंदर लिख लिया, ये पी है। क्या ए और सी के बेस पर अब देखना है बी कंक्लूजन निकलता है। आर इज नॉट ए क्रिमिनल, आर इज नॉट ए क्रिमिनल, यस आर यहां है, इसके अंदर है, क्योंकि कोई भी पी क्रिमिनल नहीं है, तो आर इसके अंदर है बताया गया, तो क्रिमिनल नहीं है, ये कंक्लूजन निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है जी, ये बड़ा राइट आंसर है। अगर आपने देखना है कि नेक्स्ट की भी एक्सरसाइज करनी है, कैसे करनी है वो बताता हूं। ए और बी के बेस पर ई क्या निकल रहा है, ए क्या था, ए क्या है पी, ये है सी, और ए बी कौन सा है, बी वही है, आर इज नॉट क्रिमिनल, आर इज नॉट क्रिमिनल, ये आर यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, दोनों इसलिए ड्रा कर लेके 50% प्रोबेबिलिटी है। क्या इसके बेस पर ई निकल रहा है कि एम इज ए क्रिमिनल, एम की यहां पर कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं बन रही, ये बन ही नहीं रहा, ठीक है। ए डी के बेस पर ई निकल रहा है, ए और डी के बेस पर ये रहा पी, ये रहा सी, पहली स्टेटमेंट हमने बना ली ना, ए और कौन सा डी, डी बनाने लगा हूं, एम इज नॉट ए पी, एम इज नॉट ए पी, एम यहां भी हो सकता है, इससे बाहर चाहिए ना एम, तो यहां भी तो हो सकता है ना, इसका पार्ट भी हो सकता है, तो दो ड्रा हुए, 50-50 हो सकता है, तो क्या इससे ई निकलेगा, एम इज ए क्रिमिनल, एम इज ए क्रिमिनल, क्रिमिनल हो भी सकता है 50%, नहीं भी हो सकता, क्योंकि 50-50% है, ठीक सर्टन नहीं है, दैट इज वाई ये कंक्लूजन नहीं निकल सकता। फोर आर्गुमेंट्स फॉलो द स्टेटमेंट गिवन बिलो, फाइंड द स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, इट मीन्स इसको अंडरलाइन करूंगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट ढूंढना है, मैं अंडरलाइन करके बताता हूं क्योंकि आपकी आदत बन जाए, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट अमंग द फोर स्टेटमेंट क्या है, शुड इंडिया गो फॉर कंप्यूटराइजेशन इन ऑल पॉसिबल सेक्टर। सिंपल बात तो ये है, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन हो चुकी है और सारा वर्ल्ड कर रहा है, और आज ऑनलाइन ने ये बता भी दिया है, जो कोविड का पीरियड था, तो इट मीन्स यहां से ये
क्लियर है कि कंप्यूटराइजेशन के फेवर में आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट का क्या मतलब है? कॉज या रीजनिंग उसकी बताना, है ना, जो उसको सपोर्ट कर रहा है, वो कॉज बताना जो उसको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, पहला कॉज क्या है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले, आपको दिखाई देगा, ये रहा। कंप्यूटराइजेशन के लिए जाना चाहिए, पहला कह रहा है यस, जो मैंने पहले बात बताई है, यस के कारण ये स्ट्रांग में रख रहा हूँ, इट विल ब्रिंग द एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी इन द वर्क। अच्छा, चार्ल्स बैबेज जो फादर ऑफ कंप्यूटर जिनको बोला जाता है, उन्होंने वो मशीन सबसे पहले क्यों बनाई थी? क्योंकि एरर बड़ी हो रही थी और टाइम काफी लग रहा था, तो वो सीधे दो एक्यूरेसी यहाँ पर है और एफिशिएंसी दोनों को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर कर क्या रहा है, यही कर रहा है, ये स्ट्रांग अभी तक का ये लग रहा है, क्योंकि चार में से सबसे ज्यादा स्ट्रांग ढूंढना है, दैट इज वाई चारों को पढ़ना पड़ेगा। नो, ये नो के कारण मैं इसको वीक में लेके जा रहा हूं, इट विल बी इनजस्टिस, यस इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, टू द मॉन्यूमेंट्स ह्यूमन रिसोर्सेज विच आर एट प्रेजेंट अंडर यूटिलाइज, जो ह्यूमन रिसोर्स अभी यूज किए जा रहे हैं उनके साथ ये इनजस्टिस होगा, वो वर्कर्स के साथ इनजस्टिस होगा, उनके साथ जस्टिस कैसे होगा, क्योंकि उनको भी तो काम करना पड़ेगा ना। जब कंप्यूटराइजेशन हुई, फॉर एग्जांपल बैंक के जो एम्प्लॉय थे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि आपको अब ऐसे काम करना है, बेटर हो सकेगा, टाइम मनी एनर्जी बचेगी कस्टमर का, और इसका भी तो ट्रेनिंग दी गई, तो ये वाला आर्गुमेंट भी वीक लग रहा है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग दे के तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हुई ना, वो डाउन थोड़ी गए, है ना। हाँ, ये अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है तो ऐसे नहीं कह सकते कि आज कंप्यूटर के कारण एक शायद रिक्शा वाला या कोई मजदूर भी कमा रहा होगा, और उसे वो स्किल आ गई है कंप्यूटर को यूज करना, तो ये वीक में जा रहा है। नो, यहाँ नो है, इट मीन्स वीक में होगा, इट नीड्स अ लॉट ऑफ मनी, मनी वी शुड नॉट वेस्ट मनी, यस वेस्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये वेस्टेज नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि जहां आप मनी लगा रहे हो वो उसकी ग्रोथ होगी, उसकी डेवलपमेंट होगी, वो बढ़ेगी, वो तो आपको अच्छी आउटपुट देगी, तो ये तो सबसे वीक ये लग रहा है, यस अब ये स्ट्रांग में है, इट मीन्स इन दोनों में से राइट आंसर हो सकता है। व्हेन एडवांस्ड कंट्रीज आर इंट्रोड्यूसिंग कंप्यूटर इन एवरी फील्ड, हाउ कैन इंडिया अफोर्ड ए लैग बिहाइंड, ये एक अच्छा कारण है, लेकिन दूसरे कर रहे हैं इसलिए करना है ये अच्छी बात नहीं है। एक दूसरा बच्चा कंप्यूटर गेम खेल रहा है इसलिए मेरा बच्चा भी खेले, तो ये लॉजिक अच्छा नहीं है। हाँ, उसका पर्पस अगर पॉजिटिव है ये बात अच्छी है, लेकिन पर्पस बेस्ट दिखाई दे रहा है एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी के लिए, सो मैं रैंक करता हूं सबसे अच्छा आर्गुमेंट कौन सा है, एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी, बेस्ट इज दिस, सेकंड रैंक पर निकाल रहा हूं दिस, और थर्ड पर नो इट विल बी इनजस्टिस, ये क्योंकि इनजस्टिस की बात की है, ये वेस्टेज मनी तो है ही नहीं ना, क्योंकि ये फोर्थ और द वर्स्ट आर्गुमेंट है, क्योंकि दिस इज इन्वेस्टमेंट, ये गलत हो गया, एंड द राइट आंसर इज ए। अच्छा, ये तो और कुछ निकला, यहाँ पर ऑप्शन डिफरेंट है, मैंने चलो रैंक बनाए थे काम आ जाएंगे, ए है कि ओनली वन, नहीं मैंने डी भी निकाला है कि सेकंड रैंक डी का है, अगर ए और डी है तो वो आंसर हम लगाएंगे, ए और बी है, ए और सी है, ए और बी और डी है, ए और डी नहीं है, इसलिए फर्स्ट आंसर वही होगा, ओनली डी, अगर ए और डी होता तो वो राइट आंसर हो जाना था, क्योंकि दो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। इन्फॉर्मेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 82, ये तीन क्वेश्चन है, इस पर आपको ज्यादा जोर लगाना चाहिए। द फॉलोइंग बार चार्ट शोज द इनकम ऑफ बिजनेस फॉर 5 मंथ्स फ्रॉम जनवरी टू मई, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यहाँ पर कुछ नहीं है, आगे चलना पड़ेगा, ये रहा बार, ये फर्स्ट है, क्वेश्चन क्या है इसमें, इनकम इन मई इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द इनकम ऑफ फेब, इनकम ऑफ मई फेब, ये कितने टाइम्स है, ये 4000 है और ये, ठीक है, तो आप इन जीरो को हटा दीजिए और जीरो को हटा के कैलकुलेशन कर लीजिए कितने गुना है उसके, ये 4 × 3 मैंने किया, 12 आ गया, ठीक है, इट मीन्स 3 गुना तो है लेकिन एक बच रहा है और एक का चौथा हिस्सा क्या हुआ, फोर्थ,
2.5, ठीक है, 3.5 है ये रहा राइट आंसर। द एवरेज इनकम फ्रॉम जनवरी टू मई, 5 महीने हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं हमें पता है कि इनको 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 प्लस कर दो, प्लस करके और 1, 2, 3, 4, 5 नीचे रख दो 5 और उनको जो है तकसीम कर दीजिए। ये करेंगे, जीरो को नहीं लेंगे, जीरो को लेके कंफ्यूज होंगे हम, पहले पहले अक्षर को लेंगे क्योंकि 3-3 0 है लास्ट में सभी में, ठीक। तो मैंने क्या किया, 7 को 4 से प्लस किया, ये ऐसे ही कैलकुलेट मेरे पास हो गया, यहाँ 11 लिख दिया। और जब मैंने इसको इससे प्लस किया मेरे माइंड को इजी लगा ये प्लस 9 करना, तो ये 20 बन गया, और 20 में 11 किए तो बड़ी जल्दी ये बन गया 31। अब ये थोड़ा मुश्किल है, 31 को करना, मैंने पहले इसमें 10 प्लस कर दिए और इसे 41 बना लिया और प्लस 3 कर दिए, ये बन गया 44। अब मुझे क्या करना है, 44 के नीचे 1, 2, 3, 4, 5 मंथ है, इनको रख दिया और ये कर लिया, मैंने अपना पंजाबी का पहाड़ा जो याद था उसको अप्लाई किया। तो आप जैसे आपको इजीली टेबल्स आते हैं ना, गुना करनी आती है, वो कर लीजिए। 8×5=40, ए रहा आ गया 1, तो 40 है, 4 बचे, 8×5=40, 4 हुए ना, 4 बचे, 1 हासिल ले लिया, फिर 40 बचे और फिर पॉइंट लगा दिया उस हासिल का, तो मैंने ये क्या किया, 8×5=40 फिर 8 आ गए, 8.8 वाला कोई है तो राइट आंसर होगा, नहीं तो गए, 8.8 वाला है, ठीक, दिस इज राइट आंसर डी। नेक्स्ट है 84th, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ इज द रेशियो ऑफ इनकम टू इनकम ऑफ द प्रीवियस मंथ इज मैक्सिमम। अगर नहीं समझ आया तो हिंदी में जाके देखूंगा कि निम्नलिखित में से कौन से महीने में पिछले महीने के आय से आय का अनुपात अधिकतम है, के किस महीने में पिछले से जब कंपेयर करें, जैसे इसको इससे कंपेयर करें तो वो सबसे ज्यादा है, तो ये क्या अब देखना है, हमने अधिकतम है तो देखना है ग्राफ ऊपर की तरफ जो जा रहा है, इट मींस पहले को तो देखेंगे नहीं, ऊपर की तरफ जा रहा है, सीधा ऑब्जर्वेशन से ये देख सकते हो कि लाइन की स्लोप सबसे टॉप की तरफ कब जा रही है, यहां जा रही है या जहां जा रही है या यहां जा रही है, सबसे ऊपर की तरफ, और सबसे ऊपर की तरफ ये वाली जा रही है। तो इसकी जो सैलरी है मार्च की, पिछले महीने की सैलरी के अनुपात से अधिकतम है, अधिकतम मीन इनसे इनसे और इनसे कंपेयर करके देखा, तो राइट आंसर क्या हो गया, मार्च है इसमें, मार्च, हाँ राइट आंसर है मार्च, बी इज राइट आंसर। फाइंड द करेक्ट ऑब्जर्वेशन अमंग द 4 ऑब्जर्वेशन गिवन ऑन द गिवन स्टेटमेंट। गिवन स्टेटमेंट क्या है, हॉरर मूवीज मेक चिल्ड्रन फियरलेस, हॉरर मूवी फियरलेस बनाएंगी या फियरफुल बनाएंगी, किसको, वो भी चिल्ड्रन को, जो बीएड करती हैं लड़कियां ना, अगर ऐसी लड़कियां हैं, अगर वो हॉरर फिल्म या इवन हॉरर बात भी करते हैं तो उनको ड्रीम्स रात को आते हैं, इट मीन्स हॉरर जो स्टिमुलस लेने से, एनवायरमेंट देखने से, एक फिल्म भी हो सकती है, बातें करना भी हो सकता है, रात को आप जब बातें करते हो तो नेचुरली फियर बढ़ेगा या कम होगा, जनरली बहुत ज्यादा स्ट्रांग और मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो तो किसी बात से नहीं डरते, तो उनके लिए ये तो स्टेटमेंट नहीं है, ये जनरलाइज्ड बच्चों के लिए है। दैट इज वाई हॉरर मूवीज जो है वो फियर को बढ़ाएंगी, कम नहीं करेंगी, ठीक। स्टेटमेंट इज ए फैक्ट नहीं, फैक्ट तब होता अगर रिसर्च ने ये साबित कर दिया है कि डरावनी चीज दिखाओ और डर खत्म हो जाएगा, डरावनी चीज से डर बढ़ता है, इसलिए फैक्ट नहीं है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं फैक्ट, ये एक्सेप्टेड नहीं है। स्टेटमेंट इज एन एडवाइस, एडवाइस में शुड होगा, यहाँ शुड नहीं है, कहीं भी शुड नहीं है, चिल्ड्रन शुड नॉट वॉच हॉरर मूवीज, ये तो टू रिड्यूस फियर, तो ऐसा अगर शुड होता तो एडवाइस होती, वो जो एडवाइस है कितनी लॉजिकल है, इलॉजिकल बात की बात है। थर्ड स्टेटमेंट इज ए ओपिनियन, हाँ ये किसी का मत हो सकता है, किसी एक बंदे को लग सकता है कि यार ओपिनियन जो है हमेशा ही इंडिविजुअल का होता है, इंडिविजुअल का पर्सनल है, तो वो हो सकता है किसी को लगता है यार देखने से ये कम होता है, हाँ ये ओपिनियन जो है लॉजिकल में ही है। ओके, स्टेटमेंट इज प्रिजिडस, प्रिजिडस होता है किसी ग्रुप या पर्सन के इरेशनली डाउन या अपवर्ड शो करना,
फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं डैश रिलीजन के पीपल जो है डरपोक है, या डैश रिलीजन के पीपल बहुत बहादुर है, तो ये प्रिजुडिस है। हम ये कह दें कि गर्ल्स जो है वो पुअर ड्राइविंग करती हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग कंक्लूजन है। गर्ल्स बेटर ड्राइविंग करती है, सेफ है, आज तक जितने एक्सीडेंट किए हैं ना मेल ने किए हैं। दैट इज व्हाई ये ओपिनियन मैक्सिमम सेफ आंसर बन रहा है, कि ये हो सकता है एक पर्सन का व्यू हो, दैट इज व्हाई हम चूज कर रहे हैं सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है थ्री इन्फ्रेंसेस फॉलो द स्टेटमेंट फाइंड द इम्प्लिसिट इन्फ्रेंसेस। स्टेटमेंट क्या है, इंडिया प्रपोजेस टू टैप, अब टैप का मुझे मतलब नहीं पता, नॉन कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसकी मेरे पास एग्जांपल नहीं है, ऑफ एनर्जी, अगर है इसकी नॉलेज है तो रीजनिंग अच्छी होगी, इट मीन्स अच्छी रीजनिंग के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन बेसिक चाहिए। As India now needs to increase her energy production by more than 10 times. टैप का मतलब मैंने पंजाबी में देखा, वो भी जाके टैप मिला, फिर मैंने डिक्शनरी में देखा तो इसका रेलिवेंट मतलब मिला यूज। इट मीन्स इंडिया प्रपोजेस टू यूज नॉन कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, तो हमें नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ये कन्वेंशनल है और ये नॉन कन्वेंशनल है, ये आपके जीके में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, सोलर, अगर सॉल्व करना है तो एग्जांपल याद रखनी होगी कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बाकी आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ हम सन को या सोलर एनर्जी को उठाएंगे। दूसरा है कन्वेंशनल एनर्जी, उसमें आता है कोल, पेट्रोल, ठीक है, नेचुरल गैस, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है कन्वेंशनल को, एक कमर्शियल है, कोल और पेट्रोलियम कमर्शियल में है, या तो नॉन कमर्शियल सोर्सेज कौन से हैं, फायरवुड है, तो अब देखते हैं कि एक सोलर की एग्जांपल ले लेंगे, एक कोल की या पेट्रोलियम की, और एक जो है आपके फायरवुड की। वापस चलते हैं, फर्स्ट है इसके ऑप्शन, इंडिया डज नॉट हैव सफिशिएंट कन्वेंशनल रिसोर्सेज। अब कन्वेंशनल रिसोर्सेज में क्या था, कोल, तो ये तो सिंपल सी बात है, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के पास ही जो कोल सफिशिएंट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक ना एक दिन तो खत्म होना ही है ना, लेकिन इंडिया के पास है, कोल की एग्जांपल लेके चले हैं, पेट्रोल की एग्जांपल लेके चलो, ये राइट लॉजिक है। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन नीड ए लॉट ऑफ एनर्जी, 100% ठीक है। देखिए अब हम इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, ये भी चल पड़े हैं, क्योंकि ये जो कन्वेंशनल रिसोर्स है वो सफिशियंट नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है नॉन कन्वेंशनल से बन सकती है, सोलर पैनल हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए लगाते हैं, तो ये भी ठीक है। इंडिया हैज द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज इन अबंडेंस, अबंडेंस बहुत ज्यादा मात्रा में है, क्या सोलर एनर्जी हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में है, हवा बहुत ज्यादा मात्रा में है, बिल्कुल जितनी मर्जी यूज करो, सन कहता है कि कभी बस भी इससे ज्यादा मैं धूप नहीं दूंगा, तो ये भी ठीक है। तो ये कौन से आंसर, पहला दूसरा, क्योंकि तीनों ही ठीक है, तीनों वाला कोई है, एक दो तीन, ये वाला राइट आंसर है। दैट्स ऑल। सिक्स चिल्ड्रन ए टू एफ आर प्लेइंग फुटबॉल, ए एंड ई आर ब्रदर्स, ये रखा ए, ओके, ये रखे ई, और इनके बीच में मैंने क्या किया, एरो दिया, दोनों तरफ एरो का निशान, और बीच में लिख दिया ब्रदर, एरो का मतलब है ये दोनों ब्रदर है, अगर एक तरफ एरो होता तो ये होना था इसका ये ब्रदर है, इट मीन दूसरे की इन्फॉर्मेशन नहीं है, जहां दोनों की इन्फॉर्मेशन है आपस में ब्रदर है, तो ये याद रखना है, एरो हॉरिजॉन्टल का मतलब है, अपवर्ड होता है तो नेक्स्ट जनरेशन है, अगर डाउनवर्ड है तो नीचे वाली, इनका सन, डॉटर वगैरह। नेक्स्ट है एफ इज सिस्टर ऑफ ई, ये रही ई और ये एरो एक दिया, तो ये रहे एफ, यहां पर लिख दिया सिस्टर। सी इज ओनली सन ऑफ एज अंकल, ये बड़ी स्टेटमेंट है, तंग करती है आपको, तो आपको क्या करना चाहिए, इसको तोड़ लेना चाहिए, तो तोड़ के लास्ट में जाना है, सबसे पहले लास्ट वाले को ढूंढना है क्या है, एज अंकल को ढूंढो, ए और ये रहे अपवर्ड उसके अंकल, कौन है उनको, उनके अंकल वो देखते हैं, ये रहे अंकल, ये रहा ए, सी इज ओनली सन ऑफ एज अंकल, अंकल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कौन है,
ये हमने मान लिया अंकल है और सी इज ओनली सन ऑफ, इनके ओनली सन कौन है, ये रहे इनके ओनली सन, ये यहाँ बना लेते हैं कौन है सी, ये रखी रही हमने सी, यहाँ लिख दिया सन, ये कौन थे इनके अंकल। नेक्स्ट है बी एंड डी आर दी डॉटर्स ऑफ ब्रदर ऑफ सीज फादर, फिर ये ज्यादा लंबी स्टेटमेंट आ गई, इनको यूनिट में तोड़ लो, घबराना नहीं है। सबसे पहले ये देखो ब्रदर ऑफ सीज फादर, ये अगर नहीं ये ढूंढ होता तो सीज फादर पहले देखो, सी का फादर यहाँ पर बनाओ, अपवर्ड बनाओ, ये रहे गोल कर दो इनको कि यहाँ पर कोई फादर है इनके, इनको भी नीला कर दे क्योंकि नीले वाले रिश्ते हैं, तो अपवर्ड ये क्या है कि सी के फादर, सी के फादर ये कौन है अभी नहीं पता, नाम नहीं है, हमने सर्कल कर लिया है। इनके ब्रदर, ब्रदर ऑफ सीज फादर, इनके ब्रदर ये रहा, ये इधर हो सकते हैं ये, ठीक है ये ब्रदर हो सकते हैं ब्रो, ओके इधर भी कोई हो सकता है अगर कोई आगे ऐसे आता है, तो ये तो है ही है ना, दिखाई दे रहे हैं, तो ये ब्रदर हो गए, ये इनके सन है, ये वाले सन है, ये वाले इनके फादर हैं, यहाँ पर लिख लिया ये फादर है, ये एरो जा रहा है इसके, ये फादर है, एरो भी बता रहा है क्योंकि अपवर्ड है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अब करें कि हमने ब्रदर ऑफ सीज फादर ढूंढ लिया, अब ए ब्रदर ऑफ सीज फादर ये जो है ढूंढे, ब्रदर ऑफ सॉरी ब्रदर ऑफ सीज फादर ढूंढे, उनके ब्रदर कौन है, ये इनकी दो डॉटर्स हैं बी और डी, यहाँ पर हमने यहाँ एरो फिर दिया यहाँ पर और छोटा छोटा लिखा, बराबर में लिखेंगे क्योंकि बी एंड डी यहाँ लिख रहे नहीं, चलो यहाँ लिख लेते हैं बी एंड डी, ये हो गया, ये कौन है इनकी डॉटर है, ये दोनों ही इनकी डॉटर हैं, ये कर दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ सी इज रिलेटेड टू एफ, हाउ सी, सी कहाँ है, ये सी हाउ इज रिलेटेड टू एस, ये इसको चेंज कर ले, ये वाला ले लूं के टू एफ, तो सी तो जो इनके सी बी डी है ये इनके बच्चे हैं ठीक, और इनके ये अंकल हैं ठीक, और इनके ब्रदर हैं सिस्टर हैं, एक मीन ये क्या हुआ सेम लेवल पर आ रहा रिश्ता, सेम लेवल पर आने वाला रिश्ता है, वैसे कजन दिखाई दे रहा है, सेम लेवल पर आने वाला रिश्ता, अंकल हो ही नहीं सकते, सेम लेवल पर आने वाला है, सन भी सेम लेवल पर नहीं आने वाला ठीक है, सन होगा तो ऊपर नीचे है, ये तो ए बराबर आ रहा है ना, बराबर वाला रिश्ता कौन सा है, कजन और ब्रदर है, इन्हीं में से ही आंसर होगा, तो वो जो है ब्रदर नहीं है क्योंकि ये अंकल है, ये इनके अंकल है ठीक है, इनके अंकल है, और इनके अगर अंकल है तो इनके ब्रदर सिस्टर के भी तो अंकल ही हुए, तो ये आपस में क्या हुए कजन, ये हमारा ए आंसर ठीक है। सेकंड है कि हाउ मैनी मेल प्लेयर्स आर देयर, तो ये रहे हमारे, ये उनकी सिस्टर है, ये रही फीमेल, एफ लिख लिया हमने, दूसरा ये ब्रदर है, ये हो गए मेल, ये भी मेल, और ये कौन है डॉटर दोनों इनकी, ये भी हो गई दोनों एफ 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 और एफ कितनी है, और ये इनके सन है, ये हो गए मेल ठीक है। तो ये क्या पूछा है इन्होंने, हाउ मेनी फीमेल प्लेयर आर देयर, एफ 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 तीन है जी, थ्री आंसर ओके। हाउ बी इज रिलेटेड टू ए, ओके ये भी अभी, हाउ मेनी मेल प्लेयर्स आर देयर, मेल प्लेयर भी तीन है, एक दो और तीन, ये सी आंसर, और हाउ मेनी फीमेल्स आर थ्री, वो भी थ्री है। लास्ट है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, अब डी ये है इनको सर्कल कर ले, और ये इनके क्या है, ये इनके पापा है ना, इनके ये अंकल है, इनका रिलेशन क्या हुआ, वही हो गया फिर, बराबर का होगा, कजन बन रहे हैं, ब्रदर सिस्टर रियल वाले नहीं है क्योंकि ये अंकल है, तो ये होगा कजन, ये रहा इस